हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत इजी और बहुत ही खूबसूरत तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बनाई हूँ। इसे मैं वाइट और रेड ऊन से बुनी हूँ। तो देखिए, मैं इसे बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं धागे में एक गांठ लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पर चेन बना रही हूँ। 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैं यहाँ पर 24 चेन बना ली हूँ। अब ऊपर से 4 चेन छोड़कर और इस सभी चेन में मैं यहाँ से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए, सभी चेन में मैं डबल क्रोशिया, कुल 20, मैं 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हूँ। 1 2 3 4 चेन बनाकर और फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर अब 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ कर देखिए, और यहाँ पर मैं यहाँ से 3 बार डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। और फिर यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से किनारे पे लास्ट डबल क्रोशिया एक बनाकर देखिए पूरा लाइन कंप्लीट कर ली। देखिए इस तरीके से अब आगे बुन कर दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 चेन बनाकर और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ यहाँ से। थ्री डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। इस तरीके से तो देखिए 1 2 3 4 और फिर डबल क्रोशिया और फिर 3 बार डबल क्रोशिया। तो देखिए 3 3 बार डबल क्रोशिया मैं पूरे लाइन में कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा तोरण पट्टी बनेगा। तो पूरे मैं तोरण पट्टी को इसी प्रकार बुन ली हूँ, बुन कर कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 3 3 बार डबल क्रोशिया बनाई हूँ और 10 बार तो देखिए यहाँ पर गुच्छा बनाई हूँ। 1 2 3 4 बार और देखिए फिर यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाकर 10 बार इस तरीके से बनाई हूँ और 4 बार इस तरीके से गुच्छा बनाई हूँ। तो अब मैं आगे भून कर दिखा रही हूँ इस तरीके का गुच्छा। यहाँ पर 10 बार मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाई हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से भून कर मैं कंप्लीट करके देखिए यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तोरण पट्टी में 23 इस तरीके का डबल क्रोशिया काउंट करके 23 इसमें का घर काउंट करके और यहाँ पर 24 वाले में यहाँ पर मैं बनाऊँगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर पहले बुन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इस तरीके से 10 बार यहाँ पर चेन बनाकर और इतना लंबा धागे को करके और इस तरीके से 2 बार चेन बनाकर और इतना लंबा धागे को करके और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 10 10 बार इस तरीके से फंदे को लेकर और सिंगल क्रोशिया से लॉक करके और फिर इतना लंबा धागे को करके और 2 बार इसमें मैं चेन बना रही हूँ और चेन बनाकर और यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से 1, 2 और फिर इतना लंबा धागे को करके और फिर से मैं यहाँ पर 10 बार इस तरीके से फंदे को ले रही हूँ। दस बार इस तरीके से फंदे को लेकर और इतना लंबा करके 1, 2 और फिर यहाँ पर इस तरीके से वहीं पे देखिए जहाँ पे पहले लॉक की थी वहीं से दूसरे वाले को लॉक कर दे रही हूँ और 1, 2 और फिर इस तरीके से 1, 2 और फिर 10 बार मैं फंदे को ले रही हूँ। तो 10 बार फंदे को लेकर और यहाँ पर इतने लंबा करके और फिर यहाँ पे पहले दूसरा लॉक की थी तीसरे वाले को यहीं पे इस तरीके से मैं 5 बार इस तरीके का पफ बनाकर यहाँ पर गुच्छा बना रही हूँ। तो बनाकर मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 बार मैं गुच्छा कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पर 20 बार चेन बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर मैं 20 बार चेन बना रही हूँ। तो 20 बार यहाँ पर चेन बनाकर और देखिए दूसरा गुच्छा मैं बनाऊँगी। तो इस तरीके से इतना लंबा धागे को करके और फिर से मैं 10 बार फंदे को लेकर और पफ बना रही हूँ। तो ये देखिए एक पफ बन गया इतना लंबे धागे को करके और फिर से यहाँ पर फिर इस तरीके से 1, 2 और फिर 1, 10 बार इस तरीके से फिर से मैं फंदे को लेकर पफ कंप्लीट कर रही हूँ।
तो देखिए यहाँ पर पहले वाला जहाँ पे लॉक की थी वहीं पे दूसरा वाला लॉक कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से चार बार मैं गुच्छा कंप्लीट की हूँ। अब यहाँ पर फिर से किनारे पे 10 बार चेन बनाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बार, और यहाँ पे तोरण पट्टी में 23 बार इस लाइन को काउंट करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 बार मैं काउंट करके यहाँ पर, और 24 वाले में यहाँ पर मैं फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए इस होल में 3 बार मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 और फिर से ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार मैं बना ली हूँ ट्रिपल क्रोशिया। अब इधर से दूसरे लाइन को बुन कर दिखा रही हूँ, 1 2 3 चेन बनाकर, और यहाँ पर एक किनारे पे मैं घटा दे रही हूँ एक ट्रिपल क्रोशिया को, और 4 चेन बनाकर फिर से ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए ट्रिपल क्रोशिया, और फिर सभी में मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर अब मैं 10 बार चेन बनाकर और गुच्छा बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से धागे को इतना लंबा करके, और 2 बार चेन बनाकर और मैं पफ बना रही हूँ 10 बार फंदे को लेकर। तो देखिए यहाँ पर मैं गुच्छा बना रही हूँ। दस बार फंदे को लेकर, और मैं इस यहाँ पर पफ बनाकर इतना लंबा धागे को करके, और यहाँ पर इस तरीके से वन, अब इतना 2 बार चेन बनाकर और फिर से मैं पफ बनाऊंगी 2 बार चेन बनाकर, और 10 बार इस तरीके से फंदे को ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 बार मैं गुच्छा कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पर 20 बार मैं चेन कंप्लीट कर रही हूँ। 20 बार चेन कंप्लीट करने के बाद दूसरा गुच्छा मैं बनाऊँगी।
इतना लंबा धागे को करके, और फिर से मैं देखिए दो बार चेन बनाकर और यहाँ पर 10 बार मैं इस तरीके से फंदे को लेकर पफ बना रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए 4 बार पहले मैं गूँछा बनाई थी, अब 5 बार, तो यहाँ पर 5 बार मैं गूँछा बनाकर कंप्लीट की हूँ। देखिए यहाँ पर अब 10 बार यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ, तो दोनों तरफ से एक एक घटेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर इतना मैं 5 बार लॉरी कंप्लीट की हूँ, 1 2 3 4 5 बार लॉरी कंप्लीट की हूँ। देखिए अब मैं रेड ऊन से लटकन बुनकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके का मैं लटकन यहाँ पर बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए पहले मैं गांठ बना ली हूँ ऊन में, और यहाँ पर यहाँ से ऊन को ज्वाइन करके बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर और धागे को इतना लंबा करके 1 2 दो बार चेन बनाकर और इतना लंबे धागे ऊपर के 10 बार मैं इस तरीके से फंदे को ले रही हूँ। तो देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी, पफ बना दी। अब यहाँ पर फिर से इस तरीके से फंदे को दो बार चेन बनाकर, और देखिए सबसे पहले वाले चेन में यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर रही हूँ, और यहाँ पर 5 बार इस तरीके का मैं पफ बनाकर गूँछा बनाऊँगी। तो कंप्लीट करके मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 बार मैं गूँछा कंप्लीट कर ली हूँ। वहाँ अब यहाँ पर मैं 20 बार चेन कंप्लीट करके और फिर से दूसरा गूँछा बनाऊँगी। तो देखिए 20 बार यहाँ पर चेन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर गूँछा कंप्लीट कर रही हूँ, और दूसरा गूँछा बना रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं 5 बार गूँछा बनाऊँगी पूरे लड़ी में, और 10 बार यहाँ पर फंदे को लेकर पफ बना रही हूँ। और पहले वाले चेन में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ, और इस तरीके से 5 पफ यहाँ पर पफ बनाकर लरी दिखा रही हूँ।
यहाँ पर 10 बार इस तरीके से फंदे को लेकर पफ बनाकर और 2 बार चेन इस तरीके से बनाकर और फिर से जहाँ पे पहले वाले लॉक की थी वहीं पे दूसरे वाले को लॉक करके 5 बार यहाँ पर मैं लड़ी बनाकर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार यहाँ पर इस तरीके का गुच्छा बनाई हूँ और दो एक एक दो लड़ी मैं लटकाई हूँ यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा तोरण गेट पर्दा बन चुका है। आप हमारे चैनल को पहली बार देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल मिराट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।